हेलो 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 हेलो। देखिए आपका भाई यूएनओ में लिखवाया जा रहा था, एक बार तो आवाज़ चेक करिए तो। हाँ आ रहे हैं ना? हाँ नहीं तो कल कल आवाज़ भी गायब हो जाती है ना, इसलिए फोन आना लगता है। देखिए आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में लिखवाया जा रहा था, लेक्चर पूरा हो गया है। करिए भाई, इसके बाद आपका जितने क्वेश्चन यूएनओ से आए हैं, आपका कर्तव्य है कि कम से कम एक बार घर पर जाकर और साल पेपर से साल्व कर लीजिए, यानी 100 150 या 200 जो भी क्वेश्चन आपको दिखे, इसके बाद एक बार साल्व किए रहेंगे तो आपका वो लास्ट में जब यूपीजे आएगी उस समय फायदा करेगा। लेकिन एक बार आप जाकर क्वेश्चन का मॉडल देखिए और नोट से भी मिलाना है भाई, 15 में आपका 13 क्वेश्चन तक आएगा, 2 क्वेश्चन की गारंटी नहीं है। तो आइए देखा जाए आपका। देखिए आपका सुरक्षा परिषद लिखवाया जा रहा था, उसमें आपका लिखवाया गया कि सुरक्षा परिषद का कार्य लिखवाया जा रहा था और उसमें आपका अनुच्छेद भी लिखवा दिए गए थे और विवाद का निपटारा में पहला हमने बताया था शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे का प्रयास। अब इसके बाद अध्याय 7 लिखवाया जा रहा था अनुशासनात्मक कार्यवाही यानी कि बल का प्रयोग। तो आपका 41 में हमने लिखवाया था, उसको भी याद रखना, अनुच्छेद 41 में, कि सुरक्षा परिषद आपका बल का प्रयोग न करने वाले उपाय करेगी, यानी कि पूरा रिलेशन तोड़ दिया जाए उस देश से, समुद्र रिलेशन, आपका तार रिलेशन, आपका डाक रिलेशन, विदेशी संबंध तोड़ दिया जाए, सभी देश राजदूतों को वापस बुला लें इत्यादि। और इसके बाद भी अगर स्थिति नहीं संभलती तो अनुच्छेद 42 सबसे महत्वपूर्ण है, जो अनुशासन का प्रयोग करने की बात करता है, बल का प्रयोग करने की बात करता है, और आर्टिकल 42 भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। लिखिए भाई इसको आपका, अनुच्छेद 42 अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ या इसको कहते हैं सेंशन, आपका शास्ति कहते हैं, अनुशासनिक कार्यवाहियाँ या सेंशन भी कहते हैं, या दूसरी भाषा में शास्ति कार्यवाहियाँ, शास्ति अनुच्छेद डालिए, अनुच्छेद 42 अनुशासनिक कार्यवाहियाँ। लिखिए इसमें भाई नीचे ये आप लिख करके एक लाइन और लिखिए, जो शुरुआती दौर में प्री में पूछा जाता है कि बल का प्रयोग सुरक्षा परिषद किस अनुच्छेद के तहत करती है, तो थोड़ा आप लिख करके लिख लीजिए, सुरक्षा परिषद द्वारा बल का प्रयोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, आप लिख करके लिख लेना है, सुरक्षा परिषद द्वारा बल का प्रयोग। लिखिए इसमें पैराग्राफ चेंज करके, यदि सुरक्षा परिषद यह विचार करती है कि यदि सुरक्षा परिषद यह विचार करती है कि अनुच्छेद 41 में जिन उपायों की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 41 में यानी कि 41 में, अनुच्छेद 41 में जिन उपायों की व्यवस्था की गई है वे अपर्याप्त होंगे, वे अपर्याप्त होंगे अथवा अपर्याप्त हो गए हैं, अथवा अपर्याप्त हो गए हैं,
तब सुरक्षा परिषद बल का प्रयोग कर सकती है। तब सुरक्षा परिषद बल का प्रयोग कर सकती है। बल का प्रयोग कर सकती है जिसमें वायु समुद्र या थल सेनाओं के माध्यम से प्रदर्शन जिसमें वायु समुद्र या थल सेनाओं के माध्यम से प्रदर्शन या नाकाबंदी मैंने चारों तरफ से घेर लिया जाए या नाकाबंदी या बल का प्रयोग किया जा सकता है मैंने आक्रमण बल का प्रयोग ना समझ में आए तो लिख लीजिएगा कोष्ट में आक्रमण बल का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद आपका एक सामान्य बात लिखना है और वह जो आपका UNO को आपका अनुच्छेद लिखिए 43 एक लाइन बस लिखना है। इधर से चार पांच अनुच्छेद छोड़ देना है एक केवल आठ के लिखना है 43 लिखिए हेडिंग डालिए बल उपलब्ध कराना यानी कि आपका सेनाओं को उपलब्ध कराना आप लिख करके भी लिख लीजिएगा सेनाओं को उपलब्ध कराना पैराग्राफ चेंज करके लिखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ को सेनाओं को या सेना प्रदान करने के लिए या सेनाओं भी लिख सकते हैं सैनिक सेना प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है यानी कि चाहे तो सेना दे या न दे उसका क्या है विवेक ये पूछा गया है बाध्य नहीं है। लिखिए संयुक्त राष्ट्र संघ को सेनाएं करार द्वारा दी जाती हैं माने एग्रीमेंट किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ को सेनाएं करार द्वारा दी जाती है यानी कि करार किया जाता है देशों द्वारा UNO से इसके लिए उसने आपका सैनिक कमेटी बनाई है और तब सेना दिया जाता है। भारत आपका बताया भी गया था कि भारत एक ऐसा देश है जो कभी भी युद्ध के लिए आज तक सेना UNO को नहीं दिया है लेकिन जहाँ जहाँ शांति की स्थापना की बात आती है सोमालिया से लेकर तमाम जगहों पर भारत ने अपने सैनिक भेजे हैं लेकिन युद्ध के लिए नहीं भेजा कभी। अगला लिखिए इसके बाद आपका अनुच्छेद 51 लिखिए ये भी खूब पूछा जाता है आत्मरक्षा का अधिकार सेल्फ डिफेंस का अधिकार। पहले तो अनुच्छेद रट कर जाइएगा ये रट्टा तोता जैसे रटिएगा पहला अनुच्छेद ये पूछा जाता है कि सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा का सिद्धांत आपका कहाँ दिया गया है तो एक लाइन जवाब रहेगा आपका अनुच्छेद 51। अब ये है कि जब भी इसको पढ़िए तो कम से कम आपका अनुच्छेद 2 से जोड़ कर पढ़ेंगे
तो आप आइए लिखिए पैराग्राफ की हेडिंग डाल लिया ना, आत्मरक्ष वाक्य बोलिए तो एक बार और, आत्मरक्षा का अधिकार इसको कहते हैं सेल्फ डिफेंस, यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का भी अधिकार दे दे तो इसी को मार कर आइएगा। ये नहीं कि लिखिए भाई पैराग्राफ चेंज करके, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद दो, के खंड चार में, क्लाज फोर लिखिएगा कई, और मैं बताया भी था कि सात क्लाज हैं, सातों रट कर जाइए। क्लाज फोर में यह सिद्धांत वर्णित है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर बल का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, एब्सोल्यूट रूल कहा जाता है, पूर्ण नियम नहीं है। अनुच्छेद 51 में इसका अपवाद दिया गया है, जहां कि कोई देश अपनी आत्मरक्षा में, इनकी सेल्फ डिफेंस में, अपनी आत्मरक्षा में बल का प्रयोग कर सकता है, देखिए सुरक्षा परिषद के और तमाम कार्य हैं, जैसे कि आपका महासचिव का चुनाव, वो सब लिखवा नहीं जा रहा है, आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करना, आपका मैंने आपका महासभा के साथ सुरक्षा परिषद करती है, तो तमाम कार्य हैं जो अलग अलग हम लिखवा चुके हैं और उसको दोबारा रिपीट न किया जाए। कई जगह महासभा में भी लिखवा गया था, जैसे कि आपका महासचिव की नियुक्ति कैसे होती है, तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर आपका महासभा द्वारा, इसको हम महासभा के चैप्टर में लिखवा चुके हैं, तो दोबारा रिपीट न कराया जाए, एक जगह लिखवा गया है। अब आइए आपका देखा जाए, हेडिंग डालिए, अगला चैप्टर उठाया जाए इसमें, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ से आपका बता दिया जाए, पांच या छह क्वेश्चन जे में बनेगा और सतर्क भी रहना है, कम से कम पांच या छह क्वेश्चन बनते हैं। आपका लिखिए भाई न्याय, लिख लेना न्याय का, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। लिखे संयुक्त राष्ट्र संघ
के चार्टर के अध्याय 14 माने इसका प्रावधान कहाँ है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि शॉर्टकट में UNO भी लिख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 14 के अनुच्छेद 92 से लेकर के अनुच्छेद 92 से लेकर 96 तक 92 से लेकर 96 तक में इसका प्रावधान किया गया है। अध्याय भी याद रखिएगा, अनुच्छेद भी याद रखना है। अध्याय और अनुच्छेद दोनों याद रखना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रावधान UNO चार्टर के किस अध्याय में 14 में और आपका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो 92 से लेकर 96। BHULL में पूछा गया था कि नहीं इससे ना, कितना क्वेश्चन लगभग आया था, 8-9। देखिए हर एक जगह काम करेगा भाई। अब इसका फायदा आपका जो AULLM देंगे उसमें ज़्यादा मिलेगा, जुरिस्प्रूडेंस का फायदा मिलेगा आपका, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मिलेगा और GS में भी इसका फायदा मिलेगा जो बताया जा रहा है। और ऊपर से कोई चीज़ नहीं बताई गई, काफ़ी गहराई में पढ़ाया गया। जिन लोगों का छूटा है भाई आप वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, आपका वीडियो उपलब्ध है और आपका एक बार जिनका छूटा है वह वीडियो देख लें। लिखवाए तो जाहिर है क्योंकि पूरा लेक्चर समाप्त हो गया है, यही लिखवाना आपका, 2-3 चैप्टर और बचा है। लिखिए भाई आपका हेडिंग डाल लीजिए विश्व स्तर पर न्यायालय। अभी ये शुरू नहीं किया जाएगा, पहले इतिहास लिखा जाता है कौन कौन न्यायालय कब बना था। लिखिए विश्व स्तर पर न्यायालयों की स्थापना, हेडिंग डाल लीजिए। अब क्वेश्चन का मॉडल फिर मैं एक बार निकालते रहूँगा लिखवाते समय भी, ताकि दोबारा आपका रिवीजन भी हो जाए और जाकर आज ही देखिएगा कि क्या ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं, आपका भी कर्तव्य है। पहला आपका लिखिए, एरो बनाकर लिखते रहिए, अभी सामान्य बातें चल रही हैं। लिखिए भाई एरो बना बना कर, लिखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम 1899 ईस्वी में प्रथम हेग शांति सम्मेलन हुआ। ये तो उत्तराखंड कई बार आपका पूछा गया है, प्रथम हेग शांति सम्मेलन हुआ जिसके तहत अस्थाई मध्यस्थम न्यायालय परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट, इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट, अस्थाई मध्यस्थम न्यायालय, मध्यस्थम या दूसरी भाषा में लिखेंगे तो अस्थाई विवाचन न्यायालय, एक बार UPJ में विवाचन दिया है तो उसको आप लिख करके वहीं लिख लीजिए, ताकि भाई नए लोगों को दिक्कत ना आए। आप लिख करके लिख सकते हैं अस्थाई विवाचन न्यायालय की स्थापना की गई। इंग्लिश में एक ही रहेगा, मध्यस्थम कोई विवाचन भी कहते हैं, कि स्थापना की गई। तो पहला क्वेश्चन तो यही बना कि अस्थाई मध्यस्थम न्यायालय की स्थापना किस सम्मेलन का परिणाम था, तो हेग शांति सम्मेलन कब की गई। दूसरा क्वेश्चन बन जाए तो 1899।
हेग शांति सम्मेलन प्रथम बार कब हुआ? तो 1899। तीन क्वेश्चन हमने निकाला अलग अलग, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वर्साय पैराग्राफ चेंज करके लिखिए एरो बनाकर। वर्साय संधि के परिणाम स्वरूप, वर्साय संधि के परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस यानी कि हिंदी में राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में की गई, 1920 में की गई। जिसके तहत 2 सितंबर 1921 ईस्वी को 2 सितंबर 1921 2 सितंबर 1921 ईस्वी को अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, डेट पूछा है एक बार। 2 सितंबर 1921 ईस्वी को अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये दूसरा न्यायालय हम चल रहे हैं, अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय परमानेंट आपका इंटरनेशनल कोर्ट, अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किया गया। तो यहाँ पहला, यहाँ क्वेश्चन का मॉडल भी चलते रह जाए। अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो किसके तहत किया गया था, चार ऑप्शन दे देगा। हेग शांति सम्मेलन, राष्ट्र संघ के तहत, संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिखवाया जा रहा है आपका, हेग लिखवाया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की राष्ट्र संघ, हाँ तो याद रखिए। तो किसके तहत मार कराएंगे, राष्ट्र संघ के तहत। कब दूसरा जो क्वेश्चन आपका बना है जे में डेट पूछा गया है, तो भाई डेट मैं लिखवाया हूँ किस डेट को, 2 सितंबर 1921 लिखिए। इसमें इस न्यायालय में लिखिए, इस न्यायालय में 11 न्यायाधीश तथा 4 उप न्यायाधीश थे। 11 न्यायाधीश तथा 4 उप न्यायाधीश थे, यानी कि टोटल 15, आज भी 15 हैं। टोटल कितने हो गए, 15, 11 न्यायाधीश और 4 क्या हो गए, उप न्यायाधीश। लिखिए इस न्यायालय की प्रथम बैठक, ये भी आपका पूछा गया है जे में, अंडरलाइन करिएगा, डेट पूछा गया है। इस न्यायालय की प्रथम बैठक 15 फरवरी 1922 को हुई, 15 फरवरी 1922 15 फरवरी 1922 को हुई। इसी लाइन में लिखिए, इस न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष, ये भी पूछा जा चुका है, यानी कि इस न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष जस्टिस लोडर थे, लोडर। इस न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष जस्टिस लोडर थे, लोडर, न तो बता दीजिएगा, लिख दिया जाएगा लोडर, लट्टू वाला ला भाई, लोडर या लड्डू भी कह सकते हैं, लोडर थे। लिखिए इस न्यायालय को विश्व के 50 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। इस न्यायालय को विश्व के
50 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। मान्यता का मतलब ये हुआ कि 50 देशों ने इसके चार्टर को स्वीकार किया था और ये वादा किया था कि ये अगर विवाद हमारे बीच उत्पन्न होंगे तो इस विवाद का निपटारा ये संधि किए थे देश हम कहाँ कराएंगे, आपका अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अगला लिखिए, अमेरिका तथा सोवियत संघ इसके कभी सदस्य नहीं बन पाए, माने दो महाशक्तियां इसका मेंबर ही नहीं थी। अमेरिका तथा सोवियत संघ इसके कभी सदस्य नहीं बन पाए, इसके कभी सदस्य नहीं बन पाए। इसी लाइन में लिखिए, इस न्यायालय की अंतिम बैठक, इस न्यायालय की अंतिम बैठक 18 अप्रैल 1946 को हुई, 18 अप्रैल 1946, 18 अप्रैल 1946 को हुई, 1946 को हुई तथा इसके अंतिम अध्यक्ष माने न्यायालय के अध्यक्ष तथा इसके अंतिम अध्यक्ष जस्टिस गेरेरो थे। गेरेरो याद करके जाइएगा भाई, पूछा गया है गेरेरो। ये दूसरा न्यायालय भी राष्ट्रसंघ चूंकि समाप्त हो गया तो इस न्यायालय को भी 18 अप्रैल 1946 को समाप्त कर दिया गया और एक और नया संगठन बना जिसको भाई पढ़ ही रहे हैं आप, यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ। तो पैराग्राफ चेंज करके फिर एरो बनाइए, लिखिए आपका हेडिंग डाल लीजिए न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये तीसरा न्यायालय चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेडिंग डाल लीजिए न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मैंने अब हम स्थापित किसको कराएंगे, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, ये तो दो अलग हो गए। लिखिए भाई न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हेडिंग डालने के बाद लिखिए उसी में आप हेडिंग डाल लीजिए न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका गठन अभी कराया जाएगा, अभी प्रावधान इसके बाद लिखवाया जाएगा। लिखिए न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के द्वारा की गई, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के द्वारा की गई। मैंने इसी सम्मेलन द्वारा यूएनओ भी जन्म लिया, कई बार ये भी क्वेश्चन आया है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के द्वारा की मैंने की गई इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 को की गई, डेट अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा गया है। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 को की गई, 18 अप्रैल 1946 अंडरलाइन करिए को की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष, ये भी आ चुका है अंडरलाइन, इसको भी करिए। इसके प्रथम अध्यक्ष गेरेरो थे, लिखा गया भाई गेरेरो, यानी कि आपका दो बातें मिली गेरेरो के बारे में, जो अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्र संघ के तहत गठित हुआ था
ये उसके अंतिम अध्यक्ष या सभापति थे। और जब उस न्यायालय के बाद नया न्यायालय कौन बना, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया न्यायालय का, यानी कि वही न्यायालय, सब कुछ वही था, यानी कि केवल मैंने व्यक्ति वही है, कपड़ा बदल दिया गया, होता है ना कि व्यक्ति वही है, बस क्या कर दिया गया, आपका ऊपर से ढकोसला कर दिया गया, नया नाम दे दिया गया, तो स्थान भी वही, जज भी वही, आपका स्थान भी वही, लेकिन नए तरीके से उसको क्या किया गया, थोड़ा सुधार करके गठित किया गया। तो गेरेरो उत्तराखंड में खूब पूछा जाता है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भाई रट कर जाना है, कौन थे, गेरेरो। लिखिए, इस न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, हेग के पीस पैलेस माने शहर है, हेग के पीस पैलेस में है, मुख्यालय भी खूब पूछा जाता है, हेग में है, नीदरलैंड में हेग है भाई, या हॉलैंड देश है, हेग में है। लिखिए, यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है, यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है, माने जो छह अंग हैं उनमें से एक ये भी है, ये नहीं कि अलग है। अगला लिखिए, यही एक संस्था है जिसका अपना अलग चार्टर है, ये भी पूछा जाता है, यही एक संस्था है जिसका अपना अलग चार्टर है, जिसका अपना अलग चार्टर है, इसके चार्टर में कोई उद्देशिका नहीं है, मैंने प्रियम्बल नहीं दिया गया है, इसके चार्टर में कोई प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका नहीं है, यह न्यायालय, ये भी क्वेश्चन आ चुका है जो, यह न्यायालय अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, यह न्यायालय अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि पर आधारित है, संविधि पर आधारित है तथा इसका उत्तराधिकारी भी है, दोनों एक ही में समाहित कर दिया जाए, तथा इसका उत्तराधिकारी भी है, अब न्यायालय शुरू किया जाए। लिखिए भाई, आपका हेडिंग डालिए, अब न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शुरुआत किया जाए, अभी तो सामान्य बातें चल रही थी। लिखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुच्छेद 92 UNO या संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुच्छेद 92, अब 92 से शुरू किया जाए। लिखिए, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अब अनुच्छेद से शुरू हो रहा है, सामान्य बातें समाप्त, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स
संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है। यह न्यायालय संलग्न माने अटैच्ड, यह न्यायालय संलग्न संविध के अनुसार कार्य करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है उसके साथ एक और चार्टर जुड़ा हुआ है और वह चार्टर है न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, और आप वो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही भाग है, अलग नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि UNO चार्टर से एक और चार्टर जुड़ा है न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, और ये जो न्यायालय है उसी के अनुसार क्या करेगा कार्य। अगला लिखे इसमें, यह संविधि यानी कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि, यह संविधि अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, यह संविधि अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि पर आधारित है। यहां से आपका क्वेश्चन बना है। देखिए क्वेश्चन का मॉडल अलग से लिख लीजिएगा, लिखना हो तो, कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आधार क्या है। तो आपका जवाब रहेगा अस्थाई आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्योंकि इसी न्यायालय पर कौन न्यायालय आधारित है, जो नया न्यायालय है न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये अलग से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एरो बनाकर, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आधार क्या है। तो आधार दे दे तो अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चार्टर, भाई लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आधार, एक लाइन लिखिए कई बार आ चुका है ये, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आधार अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि है। अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि है। अगला लिखे अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93 लिखिए न्यायालय के पक्षकार, हेडिंग डालिए न्यायालय के पक्षकार। यहां से भी आपका क्वेश्चन बना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की पार्टी कौन हो सकती है, उससे कौन जुड़ सकता है। तो लिखिए इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश इसके स्वतः पक्षकार होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, सभी सदस्य देश इसके स्वतः पक्षकार होंगे, जबकि अन्य राज्य
अन्य राज्य ही पूछा गया, अंडरलाइन ये वाक्य करिएगा, अन्य राज्य मतलब जो यूएनओ के मेंबर नहीं है, जबकि अन्य राज्य सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, यही अंडरलाइन कर लीजिएगा कैसे पक्षकार बनेंगे, जबकि अन्य राज्य सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा निर्धारित शर्तों, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा निर्धारित शर्तों पर इसके सदस्य बन सकते हैं। पर अगर आप चेंज करके लिखिए, स्विट्जरलैंड ऐसा प्रथम देश था, स्विट्जरलैंड ऐसा प्रथम देश था जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य न होते हुए भी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य न होते हुए भी न्यायालय का पक्षकार बना था, न्यायालय का पक्षकार बना था। आइए अगला लिखे, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 94 से पिछली बार आपका यूपीजे में क्वेश्चन आया है, अभी हम उसको लिखवा देंगे। पिछली बार भाई यूपीजे में इससे क्वेश्चन आया था, हेडिंग डालिए न्यायालय के निर्णय का पालन एवं निष्पादन, न्यायालय के निर्णय का पालन एवं निष्पादन, एग्जीक्यूशन भी कहा जाता है, या उसको लिख लीजिएगा निष्पादन को प्रवर्तन। फिर एक बार देखिए, न्यायालय के निर्णय का पालन एवं निष्पादन, निष्पादन को कहते हैं प्रवर्तन, प्रवर्तन लिखा गया था कंपटीशन में, उसको लिख लीजिए आप लिख करके प्रवर्तन, या इसको कहते हैं इजरा, 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 या लागू कराना, आप लिख करके लिख लीजिएगा लागू कराना या इन्फोर्स कराना, इंग्लिश में इन्फोर्स कहा जाता है, इन्फोर्स या एग्जीक्यूशन भी कहते हैं, एग्जीक्यूशन कराया जा रहा है। अब जो पिछली बार क्वेश्चन बना था, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निष्पादित कौन कराता है, प्रवर्तित कौन कराती है, तो सुरक्षा परिषद, कौन कराती है, सुरक्षा परिषद, न्यायालय स्वयं नहीं कराता। लिखिए इसमें भाई, लिखिए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का पालन सुरक्षा परिषद द्वारा कराया जाता है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों का पालन सुरक्षा परिषद द्वारा कराया जाता है, सुरक्षा परिषद निर्णय का पालन कराने के लिए बाध्य नहीं है। ये भी अच्छे क्वेश्चन याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद निर्णय का पालन कराने के लिए बाध्य नहीं है, वह
विवाद को किसी अन्य प्रकार से भी निपटा सकती हैं। वह विवाद को किसी अन्य प्रकार से भी निपटा सकती हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि निष्पादन ही कराए, मना भी कर सकते हैं लागू कराने से। इसीलिए आपका कई विद्वानों ने कहा भी है कि न्यायालय के निर्णय तो वीक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि निष्पादन की बाड़ी नहीं, मनमाना है, चाहे तो सुरक्षा परिषद लागू कराए और चाहे तो न कराए। अगर राज्य में रहता और सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता सरकार लागू नहीं कराती, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता और न्यायालय कहाँ भेज देता, जेल। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, भारत में भाई अलग व्यवस्था है। अगला लिखिए अनुच्छेद आपका 96, लिखिए 95 छोड़ दीजिएगा। अनुच्छेद 96 से भी काफी क्वेश्चन बनता है। हेडिंग डालिए सलाहकारी अधिकारिता, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। सलाहकारी अधिकारिता, एडवाइजरी जुरिडिक्शन या परामर्शदात्री अधिकारिता, दूसरी भाषा में लिखे परामर्शदात्री अधिकारिता, इसको हम कहते हैं परामर्शदात्री, यानी कि सलाहकारी अधिकारिता या परामर्शदात्री अधिकारिता या एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो पहला क्वेश्चन तो आपका आर्टिकल वाइज बनता है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह किस अनुच्छेद के तहत मांगी जाती है, तो आपका जवाब रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर, चार्टर मैंने विलय किया घोषणा पत्र के अनुच्छेद 96 से पहला जवाब होना चाहिए। दूसरा आपका ये बनता है कि कौन आपका राय मांग सकता है, तो दो लोग किसी भी मुद्दे पर मांग सकते हैं, महासभा और सुरक्षा परिषद। अन्य एजेंसियां क्या करेंगी, तो क्या सलाह मांग सकेंगे कि नहीं न्यायालय से, तो सामान्यतः नहीं, लेकिन किसके द्वारा प्राधिकृत करने पर, ये भी खूब क्वेश्चन आया है, महासभा द्वारा। और महासभा जब प्राधिकृत करेगी तो वे लोग केवल अपने एरिया में या अपने विषय से संबंधित मामले में सलाह मांगेंगे, अन्यथा दूसरे मामलों में नहीं। यानी कि अगर WHO कोई सलाह मांग रहा है तो बम विस्फोट इत्यादि का न मांगे, स्वास्थ्य संबंधी किसी विषय पर मांगे, ये कहने का मतलब कि अपनी एरिया में मांगिए, ऐसे नहीं मांग सकते किसके द्वारा अथराइज करने पर, जनरल असेंबली या महासभा। इसको लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, पहला लिखिए 1, महासभा तथा सुरक्षा परिषद, 2 को फुल पावर है, महासभा तथा सुरक्षा परिषद किसी विधिक प्रश्न पर, किसी विधिक प्रश्न पर सलाह मांग सकती हैं। अब यहाँ भी पूछ लेता है विधिक प्रश्न पर कि तथ्य के प्रश्न पर कि दोनों पर, तो क्या लिखवाया गया है, विधिक के तथ्य के प्रश्न पर कि दोनों लिखवाया गया। हाँ सतर्क रहिए, भारत में उल्टा नियम है, भारत में दोनों पर, और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस किस पर केवल राय मांगी जाएगी, विधिक, वो भी कौन अमूमन मान सकता है, दो लोग, कौन कौन, महासभा और कौन, सुरक्षा परिषद। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अन्य अंग या विशिष्ट एजेंसियां
अन्य अंग तथा विशिष्ट एजेंसियां महासभा द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर किसी ऐसे विधिक प्रश्न पर जो उनके कार्य क्षेत्र में आता है, सलाह मांग सकती है। यहाँ से भी भाई ज़्यादा क्वेश्चन बना है, सतर्क रहिएगा। फिर एक बार जो भी घुमाए क्वेश्चन, क्योंकि भाई देखिए आपका सामान्य क्वेश्चन तो कम आता है, आजकल जो वर्तमान नियम है आपका घुमाएगा ज़्यादा, और जब घुमाए क्वेश्चन तो उसका एक ही उपाय है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए, वो रट्टा काम नहीं करेगा। जैसे ही घुमाया क्वेश्चन वो रट्टा मैं बता रहा हूँ कि करिए, कुछ तो काम कर जाएगा, लेकिन आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्या रहना चाहिए, क्लियर। अब जैसे कि आपका कई उदाहरण हैं जहाँ की कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक सीआरपीसी में हम बता रहे हैं डिफ़ॉल्ट बेल, तो कहीं लिखा नहीं गया है डिफ़ॉल्ट बेल इत्यादि, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 60 दिन 90 दिन जो भी स्थिति हो में चार्जशीट दायर नहीं हुई तो अभियुक्त जमानत का क्या होगा हकदार, तो 167 का क्लास 2 में यानी कि 167 सीआरपीसी के धारा 167 के किस क्लास में, 2 में। तो यहाँ देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या महासभा और सुरक्षा परिषद के अतिरिक्त जो यूएनओ के अंग हैं, या आपका कह सकते हैं कि जो 17 हमने विशिष्ट एजेंसियां बताई, क्या ये राय मांग सकते हैं कि नहीं न्यायालय से, सामान्यतः नहीं तो दे देगा, मांग ही नहीं सकते। मांग सकते हैं महासभा द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, मांग सकते हैं सुरक्षा परिषद द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, और इसी को खूब घुमाएगा तो किसके द्वारा अथराइज किए जाने पर, महासभा। फिर देगा अपने कार्य क्षेत्र के अंदर के मामलों में मांग सकते हैं, बाहर के मामलों में तो क्या मार कराएंगे, कार्य क्षेत्र के अंदर की बाहर, अंदर, और आपका कार्य क्षेत्र के अंदर के मामलों में, बाहर के नहीं। लिखिए इसमें आपका भाई पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिए, इसमें अभी छानबे चल रहा है, लिखिए न्यायालय न तो राय देने के लिए बाध्य है, और न ही राय मांगने वाले राय मानने के लिए बाध्य हैं, और न ही राय मांगने वाले राय मानने के लिए बाध्य हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, शांति संधि मामला 1950, अंडरलाइन कर लीजिएगा केस ये, शांति संधि मामला 1950 के मामले में के मामले में
न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने के मामले में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उसकी राय बाध्यकारी नहीं होती। और न ही और न ही उसकी राय मानने के लिए और न ही उसकी राय मानने के लिए कोई बाध्य है, मैंने खुद भी देने के लिए बाध्य नहीं है और जिसको राय दे वो भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। यही लेकिन ऐसी राय न्यायालय का प्राधिकारिक कथन माना जा सकता है पैराग्राफ चेंज करके इसे में लिखिए। यानी कि हाँ, न्यायालय ने ये कहा था उसको अथराइज कथन कहते हैं, माने न्यायालय ने इस बात को अथराइज कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कि आपका भारत में भी देख सकते हैं, मान लीजिए कि आपका सरकार ने कोई बात कही और न्यायालय ने उसको सपोर्ट कर दिया तो अथराइज हो गया न्यायालय से, ये कहा जाता है। आपका ये भी कह सकते हैं कि आपका इस समय जो मामला चल रहा है यूपी में, आपका गोरखपुर का मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया है, मनीष गुप्ता हत्याकांड देख रहे हैं, 6 पुलिस वालों ने इतना मार दिया, पुलिस एक चल भी रहा है। अब बार बार बताया जा रहा है कि यूपी सरकार को भी अब नया पुलिस एक्ट बना लेना चाहिए, जैसे उत्तराखंड ने बना लिया कि पुलिस अगर अपने अधिकारों का हनन करे तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होनी चाहिए। तो इतना मार मार दिए कि भाई मर ही गया। और जो निकम्मे ये डीएम एसपी हैं वो बार बार पीड़ित को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि आप FIR न करिए, हम जांच करेंगे, 6 पुलिस वालों का परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो क्या मनीष गुप्ता को जब कूट रहे थे पुलिस वाले, उस समय ये नहीं सोचे कि मनीष गुप्ता की पत्नी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका भी परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो अपना परिवार बर्बाद हो जाए उसकी चिंता है, लेकिन दूसरे का हम परिवार बर्बाद कर दें उसकी चिंता नहीं है। वायरल है वीडियो, देख सकते हैं आप, पूरा सोशल मीडिया और टीवी पर चल रहा है कि एसपी साहब समझा रहे हैं औरत को, डीएम साहब समझा रहे हैं। और यही मौका है विपक्षियों को कि जंगल राज हो गया है तो अखिलेश जी भी मौका का लाभ उठाए, चौका मार दिए और पहुंच गए आपका पीड़िता के। तो योगी जी भी क्यों पीछे रहें, अब मैं ये है कि पैसा देकर मुख बंद कराने का सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन मामला क्या हुआ, क्या हुआ,
देखिए आगे लिखिए भाई आपका, ये अगला लिखिए इसमें आपका, लिखिए न्याय के, इसी में एरो बनाकर अगला लिखना है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने प्रथम बार राय देने से इनकार किया, ये भी पूछा जा सकता है, प्रथम बार राय देने से इनकार किया, मामला लिखिए इसमें कौन मामला है, लिखिए सशस्त्र संघर्ष में राज्य द्वारा परमाणु शस्त्रों के प्रयोग के मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा मांगी गई राय को देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मामला WHO के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता था क्योंकि वह मामला WHO के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए विद्वानों का मत, यानी कि विद्वान क्या कहते हैं सलाहकारी अधिकारिता पर, विद्वानों का मत यानी कि कुछ आपका प्रबुद्ध वर्ग आ जाएगा और वो भी आपका न्यायालय जो राय देता है उस पर अपने विचार प्रकट करेगा। लिखिए इसमें भाई, पहला लिखिए रोजने, विद्वान है ये रोजने, ये क्या कहते हैं रोजने। लिखिए न्यायालय के सलाहकारी मत बंधनकारी निर्णय नहीं होते, न्यायालय के सलाहकारी मत बंधनकारी निर्णय नहीं होते, कामा दीजिएगा, बल्कि इससे जनमत बनाने में महत्व होता है, बल्कि इससे जनमत माने लोगों की आम राय, देशों की आम राय, जनमत बनाने में महत्व होता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय कोई भी सलाह देता है तो न तो न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है न कोई मानने के लिए, लेकिन एक समाज में मैसेज जाता है, पूरे विश्व में मैसेज जाता है, देश सम्मान करते हैं कि न्यायालय ने ये सलाह दी है तो इसका हम क्या करें सम्मान भाई। तो सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सलाह देता है उसको ही मानने के लिए सरकार राष्ट्रपति बाध्य नहीं, लेकिन सम्मान किया जाता है, ये नहीं कि नहीं किया जाता। अगला लिखिए आपका दूसरा विद्वान, लिखिए नागेंद्र सिंह
यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि भारत का वह कौन सा व्यक्ति है जो प्रथम बार न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, तो वह जस्टिस नागेंद्र सिंह हैं। पोस्ट में लिख लीजिए थोड़ा इनके बारे में विशेषता। प्रथम भारतीय हैं जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने। पोस्ट में लिखिएगा प्रथम भारतीय हैं, ये जीएस में भी आ चुका है, ला में भी। प्रथम भारतीय हैं जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने। ये क्वेश्चन भी आ चुका, अंडरलाइन करिएगा इसको भी। अब ये भारतीय जो जस्टिस नागेंद्र सिंह हैं, ये भी सलाहकारी मत के बारे में कुछ अपना विचार देंगे। लिखिए भाई, सलाहकारी मत वास्तव में बंधनकारी नहीं होते। इनका कोटेशन लिखिए, सलाहकारी मत वास्तव में बंधनकारी नहीं होते, माने एक्चुअल में बाउंड वाले नहीं होते, एक्चुअल में वास्तव में बंधनकारी नहीं होते, कामा दीजिए, परंतु वह विद्यमान विधि के अधिकृत कथन होते हैं, फिर कामा दीजिए, तथा उनके पालन न होने से न्यायालय की अधिकारिता कम होती है, तथा उनका पालन न होने से न्यायालय की अधिकारिता कम होती है। अगला लिखे विद्वान का नाम कार्बेट। कार्बेट के अनुसार लिखिए न्यायालय के सलाह का महत्व। इनका कोटेशन लिखिए, न्यायालय के सलाह का महत्व भावी विधि के निर्माण, फिर एक बार देखिए, न्यायालय के सलाह का महत्व भावी विधि के निर्माण करने की क्षमता के रूप में होता है, अगला लिखे आपका, ये विद्वान नहीं है भाई, केस है, विद्वान का कोटेशन नहीं, अगला जो हम लिखवाए केस है। लिखिए नार्दन कैमरून वाद का मामला। लिखे इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि न्यायालय केवल शैक्षणिक प्रश्न पर
दे दीजिए, बैग दे दीजिए इनका, बैठिए आराम से इधर। न्यायालय केवल शैक्षणिक प्रश्न पर सलाह देने से इनकार कर सकता है। सलाह देने से इनकार कर सकता है। देखिए आधा भाई आपका ब्रेक रहेगा 20-25 मिनट थोड़ा, और तब आपका एविडेंस की क्लास चलेगी। थोड़ा ब्रेक आज ज़्यादा दिया जा रहा है, कल का भाई शेड्यूल बता दिया जाए। आपका कल जो आपका एविडेंस और आईपीसी नहीं चलेगी, बता दिया जाए। आपका लिखवाया जाएगा पहले पीरियड में, आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन लिखवाया जाएगा 8:45 बजे से, उसके बाद आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम। यानी कि कल आपका न तो एविडेंस की क्लास चलाई जाएगी न आईपीसी का लेक्चर, ताकि ये लिखवाने वाला कार्यक्रम जल्दी समाप्त हो। तो सोमवार से भाई आपका मैंने कल ज़्यादा लिखवाया जाएगा। आज थोड़ा दिमाग इधर उधर भाग रहा है, तो इससे अच्छा है कि भाई थोड़ा ब्रेक ज़्यादा ले लिया जाए, क्योंकि अभी एविडेंस और आपका आईपीसी लगभग 12:30 बजे तक खींचना है। तो जीएस की क्लास आपका सोमवार से चलेगी भाई, समय एडजस्ट किया जा रहा है। सोमवार से जो पहली क्लास 1.5 घंटा लगभग चल रही है, इसको हम कम करेंगे कुछ। और आपका देखिए टीपीए हो सकता है, लगे चांस है, ये समाप्त हो जाए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यही लिखवा दिया जाए तो टीपीए आपका लगेगा। और टीपीए चलेगा एक एविडेंस और एक आईपीसी, ताकि बैलेंस बना रहे जे का भी, तो तीनों जे में भी आएगा, लेकिन एपीओ का भी हमें बैलेंस बनाकर चलना हो। तो जो एविडेंस और आईपीसी हैं ये एपीओ में काम करेगा, ताकि भाई बैलेंस बना रहे, ये नहीं कि हम केवल एपीओ पढ़ाए या जे। तो अपना रेस्ट रहेगा भाई 20-25 मिनट, थोड़ा ज़्यादा है, तब आपका एविडेंस शुरू किया जाएगा। आप लोग भी भाई